अनुष्का शर्मा को रिसेंटली स्पॉट किया गया मुंबई के क्रिकेट ग्राउंड में हार्ड ट्रेनिंग लेते हुए। अनुष्का ने हमेशा अपने रोल्स के जरिए कुछ नया सामने लेकर आने की कोशिश की है, फिर चाहे वो पीके हो, सुल्तान हो या फिर सुई धागा हो। फिल्म सुल्तान के बाद चक द एक्सप्रेस अनुष्का की सेकेंड स्पोर्ट्स फिल्म होगी, जिसका ट्रेलर जनवरी में नेटफ्लिक्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया। चक द एक्सप्रेस बेस्ड है इंडियन क्रिकेटर झूलन गोस्वामी पर, जिनका वन डे इंटरनेशनल्स में सबसे ज्यादा विकेट्स बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। झूलन ने इंडिया के लिए पिछले 20 इयर्स में 274 गेम्स खेली हैं। फिल्म इंस्पायर्ड होगी रियल लाइफ इवेंट्स पर, जहां ये दिखाया जाएगा कि किस तरह झूलन ने उस एरा में स्ट्रगल किया जब वुमन और क्रिकेट को एक साथ देखा ही नहीं जाता था। अनुष्का ने फिल्म को एक ड्रामेटिक स्टोरी बताते हुए कहा कि फिल्म बेस्ड है कुछ ऐसे इंस्टेंसेस पर जिसने वुमेन्स क्रिकेट की शुरुआत की। ये फिल्म डायरेक्ट की जाएगी सुसंता दास के अंडर, जिसके लिए अनुष्का को क्रिकेट ट्रेनिंग लेते हुए स्पॉट किया गया। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस फिल्म का शूट जल्द ही स्टार्ट कर इस ईयर एंड तक कंक्लूड कर दिया जाएगा। फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट अब तक सामने नहीं आई है। For more Bollywood updates, keep watching Boogle Bollywood.